वो बता रही डालडा और हम लाए घी शुद्ध, वो बता रही डालडा और हम लाए घी शुद्ध, और इसी बात पर हो गया घरवाली से युद्ध, और घरवाली से युद्ध संभाला हमने डंडा, और दो बेलन पड़ गए डंडा हो गया ठंडा। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकनाथ खनाल और आप सबको स्वागत करता हूँ मिस्टर टीचर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको सुनाने जा रहा हूँ काका हाथरसी की मज़ेदार कविता। और ये आपको कैसा लगता है, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करना, और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला घंटी का बटन भी दबा देना। तो शुरू करने जा रहा हूँ काका हाथरसी की ये कविता। इसको सुनाने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी भूमिका हमको बतानी पड़ेगी, वो भूमिका बताने के साथ ये कविता शुरू हो रहा है। तो क्या होता है, एक बार हमारी घरवाली हमसे बोली, जाओ बाज़ार से शुद्ध देसी घी लेके आओ। हम गए बाज़ार में और हमने दुकानदार से कहा कि हमको 1 किलो शुद्ध देसी घी दो। लेकिन दुकानदार ने देखो क्या किया कि हमको 1 किलो डालडा घी दे दिया, और डालडा घी लेके हम घर आ गए, और घरवाली ने चेक किया आग में डाल करके, तो उसने कहा ये डालडा है। हमने कही नहीं, हम शुद्ध देसी घी लेके आए। अब तो शुरू करते हैं, देखो क्या होता है। वो बता रही डालडा और हम लाए घी शुद्ध, वो बता रही डालडा और हम लाए घी शुद्ध, और इसी बात पर हो गया घरवाली से युद्ध, और घरवाली से युद्ध संभाला हमने डंडा, और दो बेलन पड़ गए डंडा हो गया ठंडा, दो बेलन पड़ गए डंडा हो गया ठंडा। अब गहरत के कारण हुआ बुरा हमारा हाल, और दो पैसे की संख्या ले आए तत्काल। संख्या यानी कि जहर। गहरत के कारण हुआ बुरा हमारा हाल, और दो पैसे की संख्या ले आए तत्काल, ले आए तत्काल पीस कर फंकी मारी, और मुंह ढककर सो गए कर स्वर्ग की तैयारी। कहें काका कबीर आए, लाज शंकर ने रख ली, और नहीं मरे हम क्योंकि संख्या निकला नकली। थैंक यू सो मच।